हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आज हम एक्सरसाइज 4.2 स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। 4.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या कह रहा है, ये क्लास 10 की क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो चैप्टर चल रहा था हमारा। आई होप कि आपने जो लास्ट इंट्रोडक्शन वाला वीडियो था वो देख लिया होगा। अगर नहीं देखा है तो प्लीज़ आप पहले उसको ज़रूर देख लें, ताकि चीज़ें आप लिंक पर कर पाएँ और आपको समझ में भी आ जाएँ। क्योंकि फर्स्ट ही क्वेश्चन है, फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड। तो फैक्टराइजेशन मेथड क्या होता है, मैंने ये लास्ट जो इंट्रोडक्शन वाला वीडियो था उसमें बड़ा अच्छे से आपको डिफाइन किया था, तो आप उसको जरूर देख लें एक बार। तो ये आपका क्वेश्चन, ये इसमें 5 पार्ट दिए हुए हैं, तो हम बारी बारी से करेंगे। पहला जो क्वेश्चन दिया हुआ है इसमें कह रहा है एक्स स्क्वेयर माइनस 3x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। इसके आपने फैक्टराइजेशन मेथड से इस इक्वेशन को, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है। मतलब इसमें हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है, जो वेरिएबल है। वेरिएबल क्या है, यहाँ पे एक्स है, इसकी वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। तो हम कैसे करेंगे, मैंने आपको बताया था कि फर्स्ट और थर्ड टर्म का आप प्रोडक्ट कर लीजिए, मल्टीप्लीकेशन कर लीजिए। तो यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है वो क्या होती है, ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो हम क्या करते हैं, फर्स्ट और थर्ड टर्म का मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो ये एक्स स्क्वेयर है, ये कितना है, माइनस 10 है। तो माइनस 10 का एक्स स्क्वेयर से मल्टीप्लाई होगा तो बच्चे क्या आ जाएगा, माइनस 10 एक्स स्क्वेयर। तो अब हम क्या करेंगे, इसके हमने पॉसिबल फैक्टर करने हैं, इसके हमें फैक्टर करने हैं पॉसिबल दो फैक्टर, जो कि मिडल टर्म सॉल्व करें उन दोनों को तो मिडल टर्म आ जाए आपकी। तो देखो, एक तो मैंने आपको बताया था कि x और x तो हमने लिख ही देना है दोनों में। अब क्या बच गया, माइनस का 10, और यहाँ पे क्या बचाना है हमें, यहाँ पे भी माइनस का बचाना है। तो माइनस 10 के देखो क्या क्या फैक्टर हो सकते हैं, 10 के फैक्टर देख लो आप, माइनस तो हम बाद में आप लगा लेंगे। तो 10 के फैक्टर देखो, 1 × 10 हो सकता है, फिर 10 के फैक्टर क्या हो सकते हैं, 2 × 5 या 5 × 2 कह दें, और कोई पॉसिबल फैक्टर बनते हैं, नहीं बनते। तो अब देखिए, अब यहाँ पर कितना बचना चाहिए आपका, 3 बचना चाहिए। तो हम देख रहे हैं 10 और 1 से तो बनेगी नहीं बात, 5 और 2 से हमारी बात बन जाएगी, क्योंकि 5 से 2 माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, 3 बचेगा। और यहाँ पे 3 किसका है, माइनस का है बच्चे, और यहाँ पे प्रोडक्ट भी किस में आएगा, माइनस में। तो प्रोडक्ट माइनस में कब आता है, पहले ये समझेंगे। एक टर्म्स माइनस की हो, दूसरी टर्म आपकी प्लस की हो, तब आपका प्रोडक्ट माइनस में आएगा। तो हम देख रहे हैं अब यहाँ पे क्या है, माइनस का बचाना है, इसलिए बड़ी टर्म माइनस की होगी। अगर यहाँ प्लस होता तो बड़ी टर्म आपकी प्लस की हो जाती। अब हमारे जो फैक्टर होंगे, यहाँ पे माइनस का 5x और यहाँ पे प्लस का 2x, क्योंकि दोनों का प्रोडक्ट करेंगे माइनस का 10 आएगा, सॉल्व करेंगे माइनस 5 प्लस 2 तो माइनस का 3 बचेगा। तो इसके फैक्टर बच्चे क्या आ गए, माइनस 5x प्लस का कितना 2x और माइनस 10 इज इक्वल टू 0। अब हम इसमें से फर्स्ट टू टर्म में से x कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 5 बच जाएगा अंदर। यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है बच्चे, प्लस का 2 कॉमन आ रहा है, ताकि वही टर्म अंदर बच जाए। एक्स प्लस का 2 कॉमन आ रहा है, तो एक्स बचा, 2 कॉमन ले लिया, 2 × 5 = 10, माइनस का 5 बचा इज इक्वल टू 0। अब हमारे पास क्या है, दो टर्म है, एक तो ये वाली टर्म है और एक ये वाली टर्म है, इन दोनों में ये चीज़ कॉमन है, तो इसको हम क्या कर देते हैं, कॉमन बाहर ले लेते हैं। तो ये आ गया x माइनस 5 आपका कॉमन आ गया, यहाँ पे क्या बचा x, यहाँ पे बचा प्लस का 2, तो x प्लस 2 और इज इक्वल टू क्या है, 0 है बच्चे। तो इन दोनों टर्म्स का प्रोडक्ट 0 है, तो कब होगा 0, या तो ये वाली 0 है या ये वाली 0 है, हम दोनों को 0 के इक्वल कर देते हैं। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई, 5 उधर गया प्लस का, और यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई बच्चे, 2 उधर गया माइनस का। तो ये आपके 5 और माइनस 2 आपके सॉल्यूशन आ जाएंगे। तो इस तरीके से हम जो है इसका फैक्टराइजेशन मेथड से हमने ये सॉल्व कर दिया। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब हम देखेंगे इसी का नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट में बच्चे क्या कह रहा है, नेक्स्ट पार्ट देखिए आप, इसमें लिखा है 2x, सेकंड पार्ट देखेंगे, 2x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6, ये इसका सेकंड पार्ट है, 2x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 इज इक्वल टू 0। इसमें भी सेम हमने करना है फर्स्ट और थर्ड का प्रोडक्ट, फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म का। तो फर्स्ट 2x स्क्वायर है और ये कितनी है, माइनस 6, तो इन दोनों का प्रोडक्ट आएगा तो क्या आएगा बच्चे, माइनस 12x स्क्वायर। अब इसके दो फैक्टर करने हैं हमें, तो माइनस 12 के, यानी मैंने कहा एक तो x लिख देना है दोनों में, एक्स एक्स, उसके बाद 12 है, माइनस को हम बाद में देख लेंगे। 12 के फैक्टर क्या क्या हो सकते हैं, देखो 1 × 12, आपको नहीं समझ आ रहा था, इस तरीके से भी कर सकते हैं आप, ये तो छोटा नंबर आप इजीली कर लेंगे फैक्टर। 12 के 1 और 12 हो सकते हैं, और क्या हो सकते हैं बच्चे, 2 और 6 हो सकते हैं, और क्या हो सकते हैं, 3 और 4 हो सकते हैं, बस यही बन सकते हैं, और तो इसके अलावा कोई बनेगा नहीं। अब हम देखेंगे यहाँ पर हमें क्या चाहिए,
यहाँ पे हमें चाहिए वन। अब वन चाहिए तो वन किसका डिफरेंस है देख लो, फोर और थ्री का, वन फोर और थ्री का डिफरेंस है। तो यहाँ पर हम अब हमें चाहिए यहाँ माइनस का, प्रोडक्ट चाहिए माइनस में। अब प्रोडक्ट माइनस में कब होगा, जब एक नंबर आपका प्लस का होगा और एक नंबर माइनस का होगा। तो माइनस अब यहाँ किसका बचाना है, प्लस का बचाना है, तो इसलिए प्लस का बड़ा होगा और माइनस का छोटा होगा। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, प्लस का 4x और माइनस का 3x, दोनों का प्रोडक्ट क्या आएगा, माइनस 12। तो ये आ गया बच्चे 2x स्क्वायर प्लस का 4x और माइनस 3x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों टर्म्स में से क्या कॉमन आ रहा है, इसमें से 2 कॉमन आ रहा है, एक तो एक x कॉमन आ रहा है, तो अंदर क्या बचा, यहाँ से 2x बाहर ले लिया, x स्क्वायर था तो केवल क्या बचा x, यहाँ से x भी बाहर आ गया, 4 में से 2 बाहर आ गया, तो 2 2 जा 4, तो प्लस का 2 बचा। अब यहाँ पे क्या कॉमन आ रहा है, ताकि x प्लस 2 दोनों प्लस की टर्म बच जाए, तो एक तो माइनस ही बाहर लेना पड़ेगा, एक हमें 3 कॉमन आ रहा है, तो x बचा यहाँ पे 3 2 जा 6, क्योंकि माइनस बाहर ले लिया इसलिए प्लस बचेगा, इज इक्वल टू 0। अब ये दो टर्म्स हैं, ये वाली, इन दोनों में क्या है बच्चे, इन दोनों में हम देख रहे हैं कि x प्लस 2 आपका क्या है, कॉमन है, तो x प्लस 2 को हम कॉमन ले लेते हैं, x प्लस 2 को हमने यहाँ लिख लिया, अंदर क्या बचा 2x माइनस 3, यानी ये 2x यहाँ पे माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो दोनों को 0 के इक्वल कर देते हैं, कोई ना कोई 0 तो है ही, तो दोनों को ही हमने इक्वल टू 0 कर दिया। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई बच्चे, 2 उधर जाएगा माइनस का, और यहाँ से 3 को पहले उधर ले जाओगे प्लस का हो जाएगा, क्योंकि माइनस का साइन चेंज करते हैं ना हम, इक्वल से दूसरी साइड जब भी जाएगा, और ये 2 से 2 मल्टीप्लाई में तो नीचे आएगा डिवाइड में, तो x की वैल्यू क्या आ गई, एक तो 3 बाई 2 और एक क्या आ गई माइनस 2 आ गई, तो ये आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ गया। अब हम चलेंगे नेक्स्ट पार्ट में, नेक्स्ट पार्ट क्या कह रहा है बच्चे, जो थर्ड पार्ट है उसको देखेंगे हम। थर्ड पार्ट में लिखा है रूट टू एक्स स्क्वेयर, ये कह रहा है रूट टू एक्स स्क्वेयर प्लस 7x प्लस 5 रूट 2 इज इक्वल टू 0। अब हम वही फर्स्ट और थर्ड टर्म का प्रोडक्ट करते हैं, फर्स्ट और थर्ड टर्म का प्रोडक्ट करेंगे तो क्या आएगा बच्चे, ये 5 रूट 2 है प्लस का, और ये क्या है रूट 2 एक्स स्क्वेयर है, ये भी प्लस का है, तो प्रोडक्ट प्लस में ही आएगा पहली बात तो। अब ये रूट 2 यहाँ पे भी रूट 2 है, तो रूट 2 का रूट 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो रूट 2 का स्केयर हो जाएगा, और रूट 2 का स्केयर स्केयर से हमेशा स्केयर रूट कट जाता है, तो 2 ही बचेगा, और 2 यहाँ पे 5 भी है, तो 5 2 जा 10, इन दोनों का प्रोडक्ट क्या आ गया 10, और साथ में क्या है एक्स स्केयर, तो इन दोनों का प्रोडक्ट आ गया बच्चे 10x स्केयर। अब इसके हम पॉसिबल फैक्टर देखेंगे, तो एक तो मैंने कहा था आपको कि एक तो xx लिख ही देना है आपने, उसके बाद 10 के फैक्टर क्या हो सकते हैं 1 और 10 हो सकते हैं, और 10 के फैक्टर क्या हो सकते हैं 2 और 5 हो सकते हैं, बाकी तो कुछ बनेगा नहीं, यही बनेंगे। अब हमें मिडल टर्म देखेंगे हम, मिडल टर्म क्या है बच्चे, यहाँ पे प्लस का 7 है, तो 7 देखो क्या 5 और 2 दोनों जुड़ करके 7 हो सकते हैं, और तो कोई तरीका है नहीं, 10 और 1 से तो बात बनेगी नहीं। अब ये भी प्लस का है, ये भी प्लस का है, तो ये भी दोनों किसके आएंगे, प्लस के ही आएंगे, तो 5 और 2 हो जाएगा, यानी 5x और एक हो जाएगा 2x, दोनों ही प्लस के आएंगे। तो हम इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा बच्चे, रूट टू एक्स स्क्वेयर, इसके बाद प्लस का 5x, नेक्स्ट क्या आ गया प्लस का 2x प्लस 5 रूट 2 इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों टर्म्स में से क्या कॉमन आ रहा है, तो इसमें से x कॉमन आ रहा है केवल, तो अंदर क्या बचा यहाँ पे रूट 2 और एक x बच गया, यहाँ पे क्या बचा सिर्फ 5। अब देखो यहाँ से हम क्या कॉमन ले सकते हैं बच्चे, देखो रूट 2 प्लस 5 बच जाए, अब यहाँ तो 2 है, 2 की जगह हमने क्या बचाना है रूट 2 बचाना है, तो देखो रूट 2 इज इक्वल टू क्या होता है रूट 2 मल्टीप्लाई बाई रूट 2, रूट 2 का रूट 2 से हम मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका प्रोडक्ट क्या आता है ऑलवेज 2 आता है, तो हम क्या लिख सकते हैं इस 2 को रूट 2 इंटू रूट 2, तो एक रूट 2 हम कॉमन ले लेंगे। अब प्लस है, प्लस का ही कॉमन लेंगे यहाँ पे, क्योंकि हमें अंदर भी प्लस का ही बचाना है, तो रूट 2 एक्स नहीं आएगा, केवल रूट 2 कॉमन आ गया। यहाँ पे देखो 2 था, तो 2 का मतलब है रूट 2 इंटू रूट 2, तो एक रूट 2 हमने बाहर ले लिया, एक रूट 2 अंदर बच जाएगा, तो ये आ गया रूट 2 एक्स, और यहाँ से रूट 2 कॉमन आ गया था, तो ये प्लस का केवल क्या बचा 5 इज इक्वल टू 0। अब वही आपकी दो टर्म्स, इन दोनों में से ये कॉमन आ गया, तो क्या बचा बच्चे रूट 2 एक्स प्लस 5 कॉमन आ गया, ये अंदर क्या बचा यहाँ पे x, यहाँ पे प्लस का रूट 2, यानी x प्लस रूट 2 इज इक्वल टू 0। तो ये आ गया, दोनों को 0 के इक्वल करेंगे,
तो इसको भी हमने जीरो के इक्वल कह दिया और इसको भी जीरो के इक्वल। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी बच्चे, 5 उधर जाएगा माइनस का, ठीक है, और रूट टू मल्टीप्लाई में तो नीचे आ जाएगा। और इसी तरीके से ये रूट टू उधर जाएगा तो इसको क्या कह सकते हैं आप, माइनस का रूट टू हो गया। तो एक वैल्यू ये होगी, एक ये होगी, इसको नीचे अंडर रूट है ना, तो आप इसको रेशनलाइज करके रूट टू को ख़त्म भी कर सकते हैं, यानी इसको या फिर इतना भी छोड़ दो, या फिर इसको रूट टू से मल्टीप्लाई कर दो, रूट टू से ही डिवाइड, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बट आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ये कितना हो गया, माइनस फाइव का रूट टू से मल्टीप्लाई माइनस फाइव रूट टू, और नीचे क्या आ गया, रूट टू का रूट टू से मल्टीप्लाई टू हो जाएगा। तो एक तो आ गया फाइव रूट टू अपॉन टू माइनस का, और एक आ गया आपका माइनस रूट टू। तो ये आपके सॉल्यूशन हो गए दो, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसलिए इसके कितने रूट्स होंगे, कितने सॉल्यूशन होंगे बच्चे, टू सॉल्यूशन होंगे। इस तरीके से ये वाला पार्ट आप कर सकते हैं। अब हम देखेंगे फोर्थ पार्ट, फोर्थ पार्ट में क्या लिखा हुआ है, फोर्थ पार्ट देखिएगा, फोर्थ पार्ट में है 2x square माइनस एक्स प्लस 1/8 इज इक्वल टू जीरो, ये फोर्थ पार्ट है इसका। तो सेम हम करेंगे, अब देखो इसमें यहाँ फ्रैक्शन दी हुई है, 1/8 दिया हुआ है, तो पहले हम इसको जो है ख़त्म कर लेते हैं 8 को नीचे से। क्या करेंगे, इसका एलसीएम ले लेते हैं, 8 पूरे का एलसीएम ले लो 8, या फिर क्या कर दो, 8 से इधर भी मल्टीप्लाई कर दो, उधर भी कर दो, ये तरीका भी ठीक है कि आप दो बोथ साइड 8 से इसको मल्टीप्लाई कर दो, या एलसीएम ले लो 8, एक ही बात है। तो हम मल्टीप्लाई कर देते हैं बोथ साइड इसको किससे, 8 से, तो 2x² माइनस एक्स प्लस 1/8, और उधर भी हमने 0 को 8 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो वो तो 0 ही रहेगा, 0 से मल्टीप्लाई होगा, तो ये 8 से मल्टीप्लाई होगा, तो बच्चे क्या आ गया, 16x², 8 का इससे मल्टीप्लाई होगा 8x, 8 का इससे मल्टीप्लाई होगा, 8 से 8 कट जाएगा, सिर्फ क्या बचेगा, प्लस का 1, और इज इक्वल टू क्या आ गया बच्चे, 0 आ गया। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस फॉर्म में हमें बनाना है, सबसे पहले ax² प्लस bx + c, तो इसी फॉर्म में आ गई है। फर्स्ट और थर्ड टर्म का प्रोडक्ट देखेंगे, 16x² प्लस का है, ये भी प्लस का है, 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 16x² ही आएगा। अब इसके हमें फैक्टर करने, तो एक तो xx तो हमने लिख ही देना है, अब 16 के फैक्टर क्या क्या हो सकते हैं बच्चे, क्या क्या पेयर बनेंगे हमें हमारे, तो एक तो 1 एंड 16 हो गया, 16 इज इक्वल टू, एक क्या हो गया 2 और 8 हो गया, एक क्या हो गया बच्चे 3 से तो डिवाइड होता नहीं, 4 4 जा 16, बस यही बनेंगे, फिर 8 2 जा 16 वही आ जाएगा रिपीट। अब हम देखते हैं मिडल टर्म को, मिडल टर्म क्या है बच्चे, 8x है, और किसका है, माइनस का। अब 8 देखो, 4 और 4 का सम जो है वो 8 होता है, लेकिन अगर दोनों प्लस के लेंगे तो 8 किसका आएगा, प्लस का ही आएगा, लेकिन यहाँ पर क्या है, माइनस में है, तो इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों को माइनस में लेना पड़ेगा। दोनों को माइनस में लेंगे तो प्रोडक्ट किस में आएगा, प्लस में आएगा, क्योंकि 16 क्या है आपका, प्लस में है। तो यहाँ पे 4x हो गया एक फैक्टर 4x, बट दोनों ही माइनस के होंगे, दोनों का हम प्रोडक्ट करते हैं तो किस में आएगा, माइनस माइनस का प्रोडक्ट क्या हो जाता है बच्चे, प्लस में आ जाता है। और दोनों को सोल्व करते हैं तो -4 -4 कितना हो गया, -8 आ गया। तो इसके फैक्टर आ गए बच्चे 16x² -4x - 4x + 1 इज इक्वल टू 0। अब फर्स्ट टू टर्म्स में से क्या कॉमन आ रहा है, 4 और x, तो यहाँ पे बचेगा 4x, यहाँ पे बचेगा -1, क्योंकि 4x कॉमन आ गया। अब यहाँ पे यही बचना चाहिए अंदर, 4x - 1, यानी 4x प्लस का है, यहाँ पे माइनस का है, तो हम माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो माइनस अकेला नहीं आएगा, -1 लिखेंगे हम। तो 4x तो प्लस का हो गया, और ये 1 किसका हो गया, माइनस का, इज इक्वल टू 0, ताकि सेम अंदर बच जाए, वो कॉमन लेने में हमें ईजी हो जाता है। देखो सेम टर्म आ गई ये वाली और ये वाली, तो 4x - 1 को हमने क्या कर दिया, कॉमन ले लिया, तो यहाँ क्या बचा 4x, यहाँ पे भी क्या बचा -1, तो अंदर भी क्या बचा, यही बचा, इज इक्वल टू 0। अब हम दोनों को 0 के इक्वल करेंगे, तो यहाँ से तो x की वैल्यू क्या आएगी बच्चे, 1 उधर जाएगा, 0 के इक्वल उधर जाएगा, तो प्लस का हो जाएगा, 4 मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में आ गया। ऐसे ये भी x की वैल्यू कितनी आएगी, 1 उधर जाएगा, प्लस का, और 4 इसके नीचे आ गया, दोनों ही सेम आ गए, 1/4 और 1/4, बस ये आपके सॉल्यूशन हो गए, या इसका आंसर आ गया। अब हम देखेंगे इसका लास्ट पार्ट, फर्स्ट क्वेश्चन का लास्ट पार्ट। अब देखिएगा लास्ट पार्ट इस तरीके से, बड़ा आसान है, आप करेंगे तो आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। ये कोई प्रॉब्लम आती है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो ये इसका लास्ट पार्ट ये वाला है, ये वाला, इसमें हम देखते हैं
कि फर्स्ट और थर्ड टर्म का प्रोडक्ट 100x² और 1, तो इनका प्रोडक्ट क्या आएगा बच्चे, 100x² ही आ गया। अब ये भी प्लस का है, ये भी प्लस का है। अब इसके फैक्टर देखेंगे हम, फैक्टर देखेंगे तो मैंने कहा था कि एक्स एक्स तो हमने ले ही लेना है दोनों टर्म में। अब 100 के फैक्टर क्या क्या हो सकते हैं, 1 × 100, 2 × 50, फिर उसके बाद 3 से तो डिवाइड होता नहीं, 4 × 25, 5 से होता 5 × 20, फिर बच्चे 10 से होता 10 × 10, उसके बाद बाकी फिर रिपीट होने शुरू हो जाएंगे, 20 × 5 आएगा। तो अब देखो मिडल टर्म क्या है बच्चे, 20 है, तो 20 किसका किसका सम इसमें से, या किसको सोल्व करेंगे तो 20 हो सकता है, 10 और 10 20 हो सकता है, बट यहाँ क्या है, ये माइनस का 20 है। अब माइनस का 20 है और प्रोडक्ट किस में है बच्चे, ये प्लस का है, तो दो प्रोडक्ट प्लस का कब आएगा, जब दोनों टर्म्स माइनस में हो, और सोल्व करें माइनस का कब आए, जब दोनों यानी प्रोडक्ट प्लस का तब भी हो सकता है, या तो दोनों टर्म प्लस में हो या दोनों टर्म माइनस में हो। अब दोनों टर्म अगर हमने प्लस की ले ली तो यहाँ पे भी प्लस होना चाहिए, बट यहाँ पे क्या है, माइनस, तो इसलिए हमें दोनों टर्म क्या लेनी पड़ेंगी, माइनस में ही लेनी पड़ेंगी। तो माइनस के 10 हो जाएंगे और माइनस के 10x हो जाएंगे, तो ये आ गया 100x² −10x − 10x +1 = बच्चे 0। अब इन दोनों टर्म्स में से क्या कॉमन आ रहा है, इनमें से आ रहा है 10 कॉमन, एक x कॉमन आ रहा है, यहाँ बचा 10x, यहाँ बचा −1। अब इसी तरीके से पिछले क्वेश्चन में जैसे लिया था −1 कॉमन लेंगे, 10x − 1 = 0। अब ये टर्म और ये टर्म दोनों क्या हैं, कॉमन आ गई, तो 10x − 1 कॉमन आ गया, अंदर क्या बचा, 10x − 1, 10x − 1 = 0। तो अब दोनों को हम क्या कर देंगे, 0 के इक्वल, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई, 1 उधर जाएगा प्लस का, 10 नीचे आ जाएगा, इसी तरीके से यहाँ भी 1 उधर जाएगा प्लस का और 10 नीचे आ गया, दोनों ही सेम आ गई। यानी कि इसका अगर मैंने आपको इंट्रोडक्शन वाले वीडियो में बताया था, जब दोनों रूट्स क्या होते हैं, सेम होते हैं, कब होते हैं वो, जब डिस्क्रिमिनेंट आपका 0 होता है, तब दोनों रूट्स आपके सेम होते हैं। तो आपने फर्स्ट क्वेश्चन को करना है, नेक्स्ट वीडियो में हम सेकंड क्वेश्चन करेंगे, तो तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।